तो दोस्तों, अगर आपने Redmi के Note 8T के बारे में नहीं जाना है तो प्लीज़ जाकर के यहाँ पे मैं आई बटन पे वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जाकर के वो वीडियो देख लेना। बिकॉज उस वीडियो में मतलब मैंने क्लियर किया है कि हाँ, Redmi का Note 8T जो है वो आखिर कैसा हो सकता है एक्चुअली, और जो उसकी लीक्स और जो रूमर्स निकल करके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो फ़ोन कैसा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि Redmi का जो Note 8T होगा वो Redmi का Note 8 Pro का नेक्स्ट वर्जन होगा, मतलब अपग्रेडेड वर्जन होगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो Redmi का Note 8T का अपग्रेडेड। अब सारी चीज़ें मैं यहीं नहीं बताने वाला, आप जा करके वीडियो देख लो, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ Mi CC9 Pro के बारे में। अब दोस्तों, इस फ़ोन को लॉन्च होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है और 5 तारीख को Redmi जो है वो चाइना में धमाल करने वाला है, क्योंकि जो इसकी प्राइसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। और अगर हम बात करते हैं Mi Note 10 के बारे में, तो दोस्तों ये फ़ोन एक्चुअली मुझे लगता है कि जो Mi CC9 Pro होगा वही सेम फ़ोन ये Mi Note 10 भी होने वाला है। अब Mi Note 10 Pro जो होगा वो थोड़ा सा अलग वर्जन होगा, उसमें आपको जो प्रोसेसर है वो डिफरेंट देखने को मिलेगा, मतलब स्नैपड्रैगन का 855 फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल सकता है Mi Note 10 Pro में। अगर हम Mi Note 10 की बात करें तो ये सेम फ़ोन होने वाला है जो कि ग्लोबली जाएगा, जो कि Mi CC9 Pro होगा। Mi CC9 Pro और Mi Note 10 ये दोनों सेम फ़ोन होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू लीक्स अगर हम बात करें तो, और इन दोनों फ़ोन्स में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। NFC वगैरह का होगा तो अलग बात है, क्योंकि वो अपना चाइना में ही लाते हैं और यहाँ पे इंडिया में तो NFC आता नहीं है फिलहाल। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं Mi CC9 Pro या फिर Mi Note 10 के बारे में, तो ये दोस्तों पहले फ़ोन होने वाले हैं जो कि 108 मेगापिक्सल के साथ में आने वाले हैं, और इनके साथ में यहाँ पे पेंटा कैमरा होने वाला है। ये काफ़ी अमेजिंग बात है। अभी तक के जो ट्रेंड चल रहा था वो 48 का था, उसके बाद 64 का आया, अब ट्रेंड आने वाला है। आप समझ सकते हो कि 108 मेगापिक्सल का ट्रेंड आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें सेकेंडरी कैमरा की, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो वाइड एंगल का होगा, जो कि 20 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है आपको। थर्ड कैमरे की बात करें, मतलब तीसरे कैमरे की, तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस वाला कैमरा देखने को मिल सकता है। ये कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही जो दो बचे हुए कैमरे हैं उनकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक मैक्रो लेंस देखने को मिल सकता है और दूसरा आपको एक डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा देखने को मिल सकता है। तो ये जो सेटअप है वो आपको इसी फोन्स में देखने को मिल सकता है, दोनों ही फोन्स में। आप चाहे Mi CC9 Pro की बात करो, चाहे Mi Note 10 की बात करो, दोनों ही फोन्स में एक्चुअली दोनों एक ही होने वाले हैं मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लीक्स भी। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही स्टोरेज रहेगी 6GB रैम के साथ, 64GB रोम देखने को मिल सकती है इस फोन में, इन दोनों ही फोन्स में एक्चुअली। और अगर हम इस फोन की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है वो 6.47 इंच की देखने को मिल सकती है, जो कि शायद एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, जो कि फुल एचडी प्लस होने वाली है ऑफ कोर्स। और अगर हम दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें, तो आपको स्नैपड्रैगन का 730 या फिर 730G देखने को मिल सकता है। अब कन्फर्म न्यूज़ यही है कि इसमें जो प्रोसेसर है वो 7th सीरीज़ का होने वाला है। ऑफकोर्स ये 712 और 710 तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ 730 या फिर 730G में से कोई भी हो सकता है। इसमें कोई भी कन्फर्मेशन लीक्स नहीं है, तो आप ये समझ सकते हो कि हाँ 730 या फिर 730G में से दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब दोस्तों, अगर हम Mi Note 10 की बात करते हैं, तो शायद से ये फ़ोन आपको स्नैपड्रैगन 730G के साथ देखने को मिल सकता है। अब इसका मतलब ये भी सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि Realme का जो 730G आने वाला है, जो कि दिसंबर में लॉन्च होने वाला है, तो ये फ़ोन डायरेक्टली उस फ़ोन से कम्पीट करने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों ये किस प्राइस पे आता है, कब आता है, और ग्लोबली अगर हम बात करें तो Mi Note 10 के ही नाम से ये दोस्तों लॉन्च होने वाला है। देखते हैं कि आखिर ये यूरोपियन मार्केट में सबसे पहले जाएगा, उसके बाद ये और दूसरे मार्केट में जाएगा। अब इंडिया में कब आता है इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ 5th of November को काफ़ी धमाल करने वाला है Redmi। और सिर्फ फ़ोन ही नहीं, एक्चुअली में इसके साथ में काफ़ी सारे दूसरे एक्सेसरीज़ भी लॉन्च करने वाला है। अब दूसरी एक्सेसरीज़ में सबसे पहले तो आता है Mi Watch। Mi Watch को मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर बताने की कोशिश करूँ, तो ऐसा कह सकते हो कि एप्पल वॉच में Mi UI घुसेड़ करके दे दिया, एकदम पूरी तरीके से एप्पल वॉच से इंस्पायर्ड है, और उसी तरीके से क्राउन रोल दे रखा है साइड में, उसी तरीके से उसकी बिल्ड क्वालिटी देखने में लग रही है, अकॉर्डिंग टू जैसे फोटोज़ निकल करके आई हैं ट्विटर पे, तो उसमें देख करके तो ऐसे लग रहा है कि पूरी पूरी जो है वो एप्पल वॉच से इंस्पायर्ड है। इस तरीके की कुछ वॉच सामने निकल करके आ रही है। अब देखते हैं कि दोस्तों ये किस प्राइस पे होगी, और डेफिनेटली ये काफ़ी देखने में तो प्रीमियम लग रही है, प्राइस में क्या जाती है ये देखने वाली बात होगी।
इंडिया में दोस्तों कब आती है इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉच लग रही है, और आप कह सकते हो कि जिस जो लोग एप्पल वॉच परचेज नहीं कर सकते होंगे वो लोग इस वॉच को डेफिनेटली कंसिडर करने वाले हैं, मुझे इतना तो पता है। इसके बाद दोस्तों और दूसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो शायद से यहाँ पे पावर बैंक लॉन्च हो सकता है उसके साथ में। और ये जो पावर बैंक है वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे शायद जो स्पीड ऑफ चार्जिंग है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है इस पावर बैंक में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे शायद एयर प्योरीफायर वगैरह भी लॉन्च होने वाला है। अब ये कौन सा वर्ज़न है, क्योंकि पहले भी एयर प्योरीफायर वगैरह लॉन्च हो चुके हैं, अब देखते हैं कि ये कौन सा वर्ज़न लेकर के आते हैं। तो ये सारे दोस्तों प्रोडक्ट Xiaomi के लॉन्च होने वाले हैं, रेडमी के आप कह सकते हो Xiaomi के। तो देखते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में कब आते हैं और एक्चुअली किस प्राइस पे आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेट है वो मी नोट 10 का है, वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होना चाहिए। और मी नोट 10 प्रो की भी अगर हम थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, तो वो शायद आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस पे देखने को मिलेगा, जो कि एक मिड रेंज फ्लैगशिप डिवाइस हो सकती है, ऐसा Xiaomi का कहना है। लेकिन Xiaomi एक तरफ ये भी कह रहा है कि मैं जो है वो अपना जो मिड रेंज सेगमेंट वाला जो स्टेटस है वो हटाना चाहता हूँ और फ्लैगशिप में भी एंटर करना चाहता हूँ। तो देखते हैं कि ये आखिर इन सारी बातों का मतलब क्या निकल करके आता है, ये तो हमें 5th of November को ही पता चलेगा। हालांकि 5th of November को भी नहीं पता चलेगा, एक्चुअली जब इंडिया में लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। तो इन सारी बातों का दोस्तों जस्ट यही निकल करके आता है कि हमें तो वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों ये कब इंडिया में लॉन्च होता है और किस किस प्राइसिंग पे लॉन्च होता है। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना था, और अगर आप लोगों को ये न्यूज़ और ये सारी जो गॉसिप्स हैं वो अच्छी लगी हैं तो फोन गॉसिप्स को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।